जैसे लाखों होंगे तेरे जैसा होर नहीं। तू मैनू जीना सिखाया, तू मैनू जीना आया, इश्क जिस्मों से ऊपर ये तूने है समझाया। तो हे गाइस, बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि नो कॉपीराइट जो म्यूजिक होता है लॉफी वाला सॉन्ग, ये आप कैसे अपने जो एक चैनल क्रिएट करके अच्छा खासा उसमें आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह करके। उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपको कैसे एडिट करना है, कौन सा वेबसाइट है जिसमें से आप जो है अपने कोई भी सॉन्ग को उसमें ऐड करके उसको कॉन्वर्ट करके एक बहुत ही एक स्लोमो जो होता है कुछ इस तरह का एक सॉन्ग बना के आप अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ इस तरह का वीडियो को बना के तीन टाइम अपलोड करेंगे, मतलब यार सुबह से लेकर रात तक कोई भी एक टाइम में होता है, ऐसा तीन टाइम आप अगर अपलोड करेंगे, जल्दी से जल्दी ग्रो होगा और आपके चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो कैसे आपको करना है, कौन सा एप्लीकेशन है, सबके बारे में बात करेंगे। पहले आपको एक अच्छा खासा यूट्यूब चैनल बना लेना है, देन उसमें आपको टाइम सेट करना है कि कौन सा टाइम में हम वीडियो अपलोड करेंगे। देन चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एडिट वगैरह करना है, मतलब जो लॉफी सॉन्ग है वो आप कैसे बना सकते हैं, वो भी मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, हो सके तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देना। तो चलिए देखते रहिए। तो दोस्तों, पहले जो आपका काम है यूट्यूब में चले जाना है। देन यूट्यूब में जाकर यहाँ पर मैं पहले से सर्च करके रखा हूँ जो हिंदी सॉन्ग, आपको सर्च कर लेना है। आप देख सकते हैं टी सीरीज का जो जीना सिखाया करके ये नया गाना आया है। तो अभी हम क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको यहाँ पर देखेंगे तो जो थ्री डॉट आ रहा है इसके ऊपर चले जाना है, यहाँ से शेयर में चले जाना है और यहाँ से जो सॉन्ग है उसको आपको यहाँ से कॉपी लिंक कर लेना है। देन कॉपी लिंक करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर बैक आ गया। देन बैक आ जाने के बाद आपको डायरेक्ट चले जाना है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जैसे जाएंगे आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, पेज आएगा, आपको तो पता ही है। देन आपको सर्च में चले जाना है। पहले तो आपको क्या करना है, यूट्यूब MP3 लिखना है, ठीक है। YouTube MP3 लिखने के बाद आपको सर्च करना है। देन यहाँ से जो आपको YouTube MP3 कॉन्वर्ट में चले जाना है और यहाँ से आपको यहाँ से पेस्ट कर देना है अपने जो कॉपी किया था लिंक को, ठीक है। देन यहाँ से आपको कर लेना है कॉन्वर्ट। कॉन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन, आपको डाउनलोड कर लेना है। और ये जो सॉन्ग है ये मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ इसीलिए। देन आपको फिर से चले जाना है होम में और यहाँ पर सर्च में जाके आपको लिखना है ऑडियो एडिटर करके, कुछ इस तरह का आएगा। देन इसके ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर का जो वेबसाइट है उसके ऊपर क्लिक करना है, दिया रहेगा जो यहाँ पर स्लो एंड रिवर करके। तो आपको क्या करना है, रिवर जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे और भी है, 3D में आपको दिखा देता हूँ, 3D है, बैस बूस्टर है, 8D है, यहाँ पर बहुत सारा कुछ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, स्लो में चले जाना है। देन जाने के बाद आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ आ रहा है ब्राउजर एंड कंप्यूटर, कुछ इस तरह का ब्राउजर कंप्यूटर। देन यहाँ पर लास्ट आप देखेंगे तो MP3 यहाँ पर 50 MB का साइज होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपका यहाँ पर काम नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। देन क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा फाइल का ऑप्शन, आपको फाइल में क्लिक कर लेना है। देन फाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर चले जाना है ऑडियो का ऑप्शन में। ऑडियो का ऑप्शन में जैसा आप चले जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो सॉन्ग है यहाँ पर ले चुका हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस सॉन्ग के ऊपर क्लिक करके सॉन्ग को ले लेता हूँ। देन आ जाने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसा आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर अपलोडिंग आ रहा है, तो ये थोड़ा सा वर्क में मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये जैसे ही पूरा एकदम 100% हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। तो चलिए मैं तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। और दोस्तों, ये हो जाने के मतलब हो जाएगा, पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कुछ इस तरह का धमाकेदार वीडियो देखने के लिए। और भी अच्छा अच्छा वीडियो आएगा और आपको बहुत ही अच्छा एक सरप्राइज मिलने वाला है। तो चलिए बात करते करते ये अपलोडिंग हो गया। देन अपलोडिंग हो जाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा प्रोसेसिंग का ऑप्शन, तो चलिए दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। देन यहाँ पर सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। जैसे सक्सेसफुली हो जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपको डाउनलोड में चले जाना है। देन इसको डाउनलोड कर लेना है, ये भी मैं पहले से करके रखा हूँ। अभी आपका जो काम है इसको ठीक तरीके से आपको एडिट करना है। तो एडिट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो सॉन्ग आप दे रहे हैं इस सॉन्ग को सर्च करके उसका एक फ़ोटो को जो थंबनेल के देना है, ठीक है, ये आपको पहले लेना है। तो चलिए अभी हम यूज़ करेंगे काइनमास्टर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एडिट करने के लिए काइनमास्टर चाहिए, नहीं तो आप कैसे यूट्यूब में अपलोड करेंगे अपने वीडियो को जो कॉपीराइट में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा, आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर 16:9 है इसके ऊपर देके आपको यहाँ से कर लेना है क्रिएट। जैसा आप क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह का आ जाएगा। पहले आपको चले जाना मीडिया में और जो सॉन्ग आप यूज़ कर रहे हैं उसका एक थंबनेल या फोटो आपको ले लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेता हूँ। तो ये रहा हमारा
पहला वाला फोटो। तो आपको उसको लेने के बाद पहले तो इसका ड्यूरेशन को जो है आपको एक अच्छा खासा कर लेना है। तो अभी हम क्या करेंगे, मेरा जो सॉन्ग का ड्यूरेशन है जितना सा है उतना सा दूंगा। तो चलिए यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा दे दिया। देन देने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको चले जाना है थ्री डॉट में, देन यहाँ से कर लेना है डुप्लीकेट। देन आपको यहाँ पर इस साइड में दिखेगा स्प्लिट स्क्रीन करके, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको फुल कर लेना है। फुल करने के बाद जब आपको क्लिक करना है फिर से और एक बार ये जो लेयर लिए थे सेकंड वाला, इसको क्लिक करना है। आपको चले जाना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में, देन यहाँ पर देखेंगे तो आ रहा है सेचुलेशन का ऑप्शन, आपको इसको माइनस कर देना। माइनस करने से क्या होगा, ये पूरा जो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। देन आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से बैक करना है और आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा ओवरले एनिमेशन, बस इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्लिकर करके कुछ इस तरह का आएगा, जो ब्लिंक स्लो आएगा, देन उसके बाद आ जाएगा फ्लिकर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ से प्ले करूँगा तो कुछ इस तरह का लगेगा, आप देख सकते हो बहुत यूनिक लग रहा है। देन आपको क्या करना है, अभी जो आपका काम है आपको ऑडियो में जाना है। देन यहाँ पर जो ऑडियो आपने डाउनलोड किया था वो आपको पहले देख लेना कि कौन सा ऑडियो है, बस उस ऑडियो का आपको ले लेना है। तो चलिए ये वाला ऑडियो हमारा, तो इसको हम यहाँ से ले लेता हूँ। देन लेने के बाद पहले आपको ठीक तरीके से देख लेना है। अब यहाँ पर आप कोई भी एडिट करना चाहिए अगर और कुछ देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर चले जाना लेयर में, यहाँ पर स्टिकर मिल जाएगा, बहुत सारा कुछ मिलेगा। यहाँ से आपको कोई भी एक देखे, मतलब आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से एडिट कर लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा, अगर आपको मतलब कुछ लिखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आपको बना लेना है। देन बनाने के बाद यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको सॉन्ग को सुना देता हूँ। तुम्हें चुराया कोई तेरे जैसा चोर नहीं, तुम्हें चुराया कोई तेरे जैसा। तो भाई ये गाना अगर आप सुनेंगे तो आपको सुनता ही रहेगा। तो कुछ इस तरह से आपको करना है, यहाँ पर चले जाना है। देन आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप कोई भी और एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से आपको आपको जो एक्सपोर्ट कर लेना है। देखिए एक्सपोर्ट करने के बाद जो आप यूट्यूब का चैनल बनाए हैं उसमें आपको अपलोड कर देना है। देन अपलोड करने के बाद आपका वीडियो जैसे आप मतलब पार्ट डे अगर आप 3 वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल पर तो कॉपीराइट नहीं आएगा, आपका चैनल जो है जल्द से जल्द मोनेटाइजेशन हो जाएगा और आपका चैनल से ग्रो बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई अगर आप कुछ इस तरह से एडिट करके मतलब यार उसको कॉन्वर्ट करके अगर आप थोड़ा सा काइंड मैसेज कोई भी एप्लीकेशन से थोड़ा सा एडिट करेंगे तो कुछ इस तरह की वीडियो बन के आ जाएगा और उसको आप अपलोड कर सकते हैं अपने खुद का जो यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपका कॉपीराइट भी नहीं आएगा। और दोस्तों अगर आपका कॉपीराइट आ गया तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम का सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए तब तक के लिए कैसा लगा वीडियो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।